डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सिंटैक्स के कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले जानेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की क्या गलतियां मिलती हैं, तो सेंटेंस देखते हैं। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज बेल्ट। तो इसमें जो वन आया है यहाँ पर, यहाँ हिज आया है, तो हिज की जगह पे क्या आना है, वंस। तो वंस बेल्ट करेंगे और यहाँ पर ये आपका आंसर इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। themselves are responsible, 2012 में पूछा गया। तो themselves जो कि एक आपका प्रोनाउन तो है, लेकिन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे। सोहन एंड myself were present। तो सोहन आपका एक ये नाउन है, आई प्रोनाउन, myself जगह पे आई का प्रयोग करके पाठ को पूरा कर लेंगे। सिंटेक्स में आर्टिकल्स की भी गलती होती है, तो आइए इस समझते हैं इस। और आर्टिकल्स कौन होते हैं, ए एंड और द। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। जैसे इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब, तो आप जानते हैं इंडस एक प्रॉपर नाउन है, तो उसके आगे द लगाना है, तो और आगे बाकी पूरा सही है, फुल स्टॉप लगेगा। ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी, यू यहाँ पे वॉवेल जरूर है, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो या शब्द आता है, तो इसलिए यहाँ पे एन के स्थान पर ए करना होगा। इसी प्रकार से यूजफुल में भी यही वाक्य में ए कर दिया जाएगा। ही इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी, तो द वाराणसी नहीं होगा, द वाराणसी हट जाएगा, उसके वाराणसी ही करेंगे। और आर्टिकल्स के आगे सेंटेंस, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये एक आपका जो है कहावत भी है, तो द वर्च्यू नहीं है, द कट जाएगा, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड आंसर देगा। सनराइज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, तो आप देखेंगे सन के आगे द जरूर लगाना है, और ईस्ट के आगे द और इन द वेस्ट यहाँ पर भी द, तब ये आपका सेंटेंस पूरा करेक्ट होगा। काइंड मैन विल पिटी पुअर, तो काइंड मैन, तो काइंड मैन जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमको पहले इंडिकेट करना पड़ेगा अ काइंड मैन। विल पिटी द पुअर, द पुअर मीन्स गरीब लोग। आई हैव हेडक, तो हेडक नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है, आई हैव अ हेडक। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, तो डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, तो यहाँ पे अ फूल करना होगा, फूल ऑफ मी ये आपका गलत है। ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति राम की बात हो रही, तो उसकी ऑनेस्टी, इसलिए ऑनेस्टी के आगे द डेफिनेट आर्टिकल रखा जाएगा। माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल, तो अ ग्रेट ट्रबल नहीं, आ की जगह आ हट जाएगा और इन ग्रेट ट्रबल सही होगा। द गेम हैज कम टू एंड, तो टू एन एंड सही होगा। अब इसमें एडजेक्टिव्स की गलती समझेंगे, किस प्रकार सिंटैक्स में एडजेक्टिव्स जो विशेषण होती हैं उनकी गलती मिलेंगी। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, जहां पर टू की बात हो रही है, डिग्री दिखाई जा रही है, गुड बेटर एंड बेस्ट होता है, तो दो की बात करें तो कंप्लीट डिग्री क्या आती है, बेटर। तो और बेस्ट जो भी कंप्लीट जो सुपीरियर डिग्री होती है उसके पहले द होता है, तो इस द को भी हटाएंगे, दिस इज बेटर ऑफ द टू, ये आपका राइट होगा। ऑफ द टू बॉयज ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट, सेम वही बात है, दो बच्चों की बात हो रही है, तो ही वॉज मोस्ट की जगह पे क्या होगा, मोर ब्रिलियंट। देयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, तो देयर इज द बेस्ट, द बेस्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो होगा द बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, देयर इज अ गुड सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ही इज वेरी प्राउडी, तो प्राउडी वर्ड नहीं होता है, और इसके लिए हम ही इज वेरी प्राउड शब्द लगा के इसको करेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार के ग्रामर के सभी पाठों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।